आज का जो कार्यक्रम था ये बैठक थी तो केक चीज की बैठक थी और आज बैठक में कौन आना था ये देखिए आज आए हुए हैं हमारे जो प्रभारी जी है बाबरिया जी उनके स्टैंड जो हैं सेंटर से AIC से आए हुए हैं एक पटेल जी हैं एक अनिल शर्मा जी हैं और वो राय जानने आए हैं यहाँ एक एक सिटीजन से जितने भी हमारे कांग्रेस जन हैं दीन जिले के वो अपनी बात रख सकते हैं उनका एक एक जाके बात रख सकते हैं इसमें कोई वो बात नहीं है और जरूरी है लोकतांत्रिक पार्टी है ये तो बहुत अच्छी बात है बड़ी अच्छी पहल है बाबरिया की अगर एक एक आदमी से मिल रहे हैं जो अपनी राय रखनी रखो लेकिन जो दीपेंद्र सॉरी सुरजेवाला गुट है वो अलग नारेबाजी नहीं नहीं ऐसा मैं गुटबाजी की बात कहते हुए सुरजेवाला गुट ये कोई गुटबाजी नहीं है ये थोड़ा सा कोई दो चार भाई होंगे जिनको शायद कोई बात ना गुजरे मैं तो कहता हूँ अच्छा तो ये रहता है सभी यहाँ आके हमारे प्रभारी जी से बात करते और वो अपनी बात जो रखनी है तो वो रखते हुए आगे पहुंचाते अपनी बात लेकिन ये तो हमारे पास तो कोई सूचना भी नहीं देखिए ऐसा है ये देखे दो बातें होती है अब मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि देखिए भाई रणदीप सिंह भी महासचिव है पार्टी के और वो हमारे राहुल जी की टीम के वो है अगर वो उनका नाम लेके कोई कर रहा है तो वो उनको बदनाम कर रहा है वो जो आदमी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी गुटबाजी दिखाई दे रही है साहब नहीं कोई गुटबाजी नहीं भी जो है ये कोई गुटबाजी मैं कहता हूँ हमारी पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है और जो आप रणदीप भाई की बात कर रहे हो वो हमारे राष्ट्रीय नेता है तो वो थोड़ी ऐसी बात करेंगे नहीं नहीं क्या बात है एक बात बताओ आज चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सर्वमान्य लीडर है हरियाणा के अगर कोई एक बात बताओ तो लीडर है उसको आपके कहने छोटा थोड़ी होगा वो जनता ने बनाया ना लीडर तो ये कोई बात नहीं है ठीक है सर धन्यवाद एक मिनट का आज मीटिंग थी किस चीज की मीटिंग थी कौन कौन से गुट आए हुए थे रणदीप गुट की बात करें वो एक मिनट बताओ देखिए जो ये यहाँ पर हमारे को आज सुबह ही पता चला कि भाई जिला स्तरीय कोई कांग्रेस की रेस्ट हाउस के अंदर मीटिंग ली जा रही है कांग्रेस के ऑब्जर्वरों द्वारा और वो ऑब्जर्वर है जो हुड्डा साहब से प्रेरित है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से प्रेरित है और लेकिन हमारे को ये नहीं पता कि भाई यहाँ पर मीटिंग ये सभी जितने भी साथी आए हुए हैं पूरे जींद जिले से कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता यहाँ आज आए हुए हैं लेकिन किसी को मैसेज ही नहीं है कि भाई वहां पर मीटिंग चली हुई है और पता चलने के बाद इनको इनका सभी मतलब दुख हुआ इनको कि भाई नहीं हम वहां जाकर के जो भी कांग्रेस के नेता लोग वहां आए हुए हैं ऊपर से भेजे हुए हैं हुड्डा साहब के द्वारा भेजे गए हैं जो लोग तो उनको जाकर के हम अपनी जो बात है अपनी जो भावना है अपनी जो समस्या है वो बताएंगे